नमस्ते 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 शास्त्रगण, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। अनाउंसर दीपक वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। चलते हैं वायनेट मीडिया। वायनेट मीडिया का जोरदार धमाका देखते हैं स्टेज की दुनिया में। कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले कॉमेडी सम्राट रंपत हरामी की बेहतरीन कॉमेडी, कैसेट कलाकार रानी वाला, मखमली आवाज का जादू, कॉमेडी का बेजोड़ संगम, सवाल और जवाब का खूबसूरत सा सिलसिला पेश करते हैं रंपत एंड रानी वाला संगीत थिएटर के बैनर तले उनके तमाम कलाकारों के साथ। वायनेट वायनेट मीडिया पेश कर रहा है जोरदार धमाका वायनेट मीडिया। तो चलते हैं, करते हैं प्रोग्राम का शुभारंभ। लेते हैं भगवान श्री का नाम। कि शरण मंगल मांगलये शिव सर्वारत साधिके, शरणे श्री अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा, निर्वधनम कुर्मे देवा शुभ कार्ये सर्वदा। चलते हैं, सबसे पहले आवाज देते हैं आपके अपने चहेते अदाकार, स्टेज की दुनिया में कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले कॉमेडी सम्राट को। आ रहे हैं जिन्हें आपकी चाहतों ने जाने कितने नामों से अलंकृत किया है, चाहा है, पुकारा है, आवाज दिए, जैसे कि हरामियों के हरामी, हरामियों के बादशाह, स्टेज के परम हरामी, कॉमेडी के बेताज हरामी, एक सुपरहिट हरामी, इंटरनेशनल हरामी यानी कि अंतरराष्ट्रीय हरामी, कॉमेडी सम्राट, कॉमेडी सम्राट रंपत हरामी। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको बताऊं कि ये नया धमाका पेश करने जा रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। समय ज़्यादा ख़राब हो रहा है, देश की हालत ख़राब है। कुछ समाचार पढ़ते हैं, देखते क्या है। क्या बताएं, हमारे मैके से चिट्ठी आई, कोई पढ़ने वाला नहीं दिख रहा। शायद ये सज्जन बहुत पढ़े लिखे मालूम पड़ रहे हैं, इन्हीं से पढ़वा ले रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब फुर्सत नहीं है। मैंने कहा मिस्टर, हेलो माई सिस्टर, हेलो, पीछे चलो। मैंने कहा एक मिनट इधर तो देखिए, आवाज अच्छी है, सामान पता नहीं कैसा होगा। क्या हो गया? अरे अरे, क्या हो गया? मत पूछिए। क्या हो गया? मत पूछिए। हम जब किसी स्त्री को देखते हैं तो क्या होता है? हमारा मौसम बन जाता है। मौसम? जी। गर्मी का? गर्मी का? गर्मी तो बहुत है। आप नहीं समझेंगी, समझने वाले समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए जी, हमारा एक काम करिए। एक नहीं तीन करूंगा, आदेश करिए। हमारे मायके से चिट्ठी आई, जरा पढ़ दीजिए। तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? हमारे माँ बाप बहुत गरीब है बेचारे। तो सारे जिंदा क्यों हैं? हैं? गरीब को जीने का कोई हक नहीं है। अच्छा ये क्या आप लिए हैं हाथ में? ये अखबार है। अखबार? जी हाँ, अखबार। ये बताइए, ट्राई कर लें पहले इनकी। ये बताइए कितना पढ़े हैं आप? एफ ए से निकल के एफ एम घुस गया, लड़ने पास है, पाँचवें का इंतजाम दे के आ रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या लिखा जरा सुनाइए। इसमें? हाँ, आज पता चला है एक कुत्ते ने कुतिया की नाक काट ली। क्यों? कुतिया शादीशुदा थी, दूसरे कुत्ते के साथ पिक्चर देखने जा रही थी। पिक पिक? जी पिक पिक पिक। अच्छा हंसो मत, तुम हंसो मत। क्या करें, मेरा संतुलन बन रहा है। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। संतुलन बन रहा कि बिगड़ रहा? ये बताइए जी, ये तो आप उल्टा पकड़े हैं। आप पढ़े लिखे तो है नहीं? हाँ पढ़े लिखे तो नहीं, यही तो बात है। गंवार और इतना बढ़िया माल है, क्या बात है। बारी क्या कहा? बारे तेरी कुदरत, बारे तेरे खेल, छछूंदर के सर में चमेली का तेल। हाँ? क्या बात है। आप पढ़े लिखे तो है नहीं? नहीं। ये पेपर हिंदी का है। अच्छा, हिंदी हम जानते नहीं। हाँ। अंग्रेजी पढ़े नहीं है। हाँ। उर्दू पढ़े हैं। हाँ। हिंदी को उल्टा कर दो, उर्दू तैयार। अच्छा। हाँ। काफी समझदार हैं आप। जी जी बोलिए, क्या लिखा है बताइए। एक रेलवे का इंजन अचानक गायब हो गया। रेलवे का इंजन? जी हाँ।
इतना बड़ा इंजन कहाँ गायब हो जाएगा? यार तुम इंजन की बात करे, पूरा पूरा प्लेन गायब हो जाता है, समझ क्या रही आप? अच्छा, और इंजन को ढूंढने के लिए काफी प्रयास किया गया। सबसे पहले PSER लगाए गए, इंजन नहीं मिला। CRPR लगाया गया, इंजन नहीं मिला। मिलिट्री नंबर लगाया गया, इंजन नहीं मिला। नंबर आया होमगार्ड वालों का, तो इंजन पता चल गया। कहाँ चल गया? एक नाचने वाले। ये बताइए जी, इतनी बड़ी बड़ी फोर्स लगी रही, वो पता नहीं कर पाई जी, होमगार्ड वाले ने पता कर लिया? छोटे लोग छोटी जगह के बारे में जानकारी रखते हैं। हाँ, ये बात तो है ना। वो कहाँ मिला? कहाँ मिला? एक नाचने वाले के तबले में घुसा हुआ था। नाचने वाले के तबले के अंदर? जी हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बताओ, इतना बड़ा इंजन तवायब के तबले में कैसे घुस जाएगा? तुमको मालूम नहीं है, तवायब के तबले में बड़ी बड़ी जमींदारियां गायब हो गई। जमींदार मूंगफली बेच रहे हैं, है? ये तो इंजन है। हमारी 4 बीघा जमीन गायब है। क्या तुम भी जाते हो? अच्छी लग रही हो, नाश्ते कुछ लोगी? अरे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं? बात कर रहे, हमारा इरादा कुछ और है। तुम्हारा क्या इरादा? तुम समझने की कोशिश। हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा? हाँ। लाइन लगाना बेकार है यार। लेकिन हमारा नहीं, बीमार बहुत है। अरे तो साले मर जाना चाहिए। क्यों? बीमार को जीने का कोई हक नहीं, इतना डेंगू फैला हुआ था, अभी तक जिंदा है। हाँ, डेंगू तो बहुत फैला हुआ। साले की नस तो टूट गई होगी। अब ये तो हमें पता नहीं। डेंगू वाले की नस कमजोर हो जाती भाई। हाँ? हाँ? तुम्हारे तो नहीं कमजोर है? बिल्कुल टनाटन सोना, चेक करके देख लो। अच्छा, पढ़ेंगे क्या चिट्ठी? मैंने इससे बड़े रुआब से कहा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, खुद पढ़े लिखे नहीं हूँ मैं। क्या कहा आपने? मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ, हिंदी भी चिट्ठी पढ़ने में समझ नहीं आ रही। एक काम कर दो, चिट्ठी पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, एक काम कर दो। क्या करें बताओ? हम तुम्हारा काम, तुम मेरा काम कर दो। हाँ, अरे अभी हम आ रहे थे ना जी, रस्ते में इतने रड़वे लोग खड़े थे जी, हाँ परेशान कर दिया। अरे हमारा मोहल्ले रड़ुओं का है। तुम भी रड़वे हो? खानदानी शादी नहीं हुई? हमारे बाप भी रड़ुआ थे, हमारे दादा भी रड़ुआ थे। तुम कैसे पैदा हो गए? हम लोग पैदा थोड़ी होते हैं। हाँ, धकेले जाते हैं। अच्छा, काम करिए आप। क्या करें? तुम मुस्कुराती बहुत बढ़िया। अरे एक काम करो। क्या करें बताइए? तुम कोई अच्छा सा गाना सुना दो हैं रड़ुओं के ऊपर, तभी पढ़ोगे ताकि हमारे बिरादरी वाले खुश हो जाएं। हाँ, तो चिट्ठी जरूर पढ़ देना, हम सुनाएंगे नहीं। अरे चिट्ठी क्या, पूरा तार निकाल के पढ़ दूंगा। हाँ, मोहे घेरे है बीच बाजार। बाजार में क्या हुआ? ओ मोहे घेरे है बीच बाजार के रड़ुआ, के रड़ुआ, के रड़ुआ मरी मरी जान। मोहे घेरे है बीच बाजार के रड़ुआ मरी मरी जान। पोजीशन है इनकी, देखिए आप लोग। मैंने कहा दीपक भाई एक मिनट इधर आइए। हाँ बताइए। जरा देखो इनकी पोजीशन, देखो इनको संभालो। क्या हो गया भाई? बड़े तार ठोक रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये क्या हो गया था? एक बात बताओ, कुछ लेते क्यों नहीं? घूम जाओ तो ले ले। अरे यार, हम तुमसे तुम्हें सलाह देने आए, दवा बताने आए, तुम मजाक उड़ा रहे हो। किस बात का? दवा बता रहे थे मैं, बिल्कुल फ्री फंड में दवा मिल रही है और दरवाजे दरवाजे मिल रही, दो बूंद। दो बूंद? दो बूंद जिंदगी के। अच्छा, पोलियो वाला? हाँ। वाह, अच्छे आदमी तुम, गवर्नमेंट का प्रचार कर रहे फ्री में। करना चाहिए, हम तुम्हारी बात से खुश हैं। हाँ, तुम्हारी बात हम मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हमारी राय मानो। ये बताएं, हमको कोई बीमारी वारी नहीं है, सलाह लेने में कोई बुराई थोड़ी है। चलो अच्छा बताओ, हम आपके कहने दो बूंद पी लेंगे। हाँ, तुम मेरे कहने से पूरा ड्राफ्ट पी लो। अरे और क्या? अरे
चारा काटने जा रहा, समझ लेना इसको। हारे जेबी राजा चारा ले बे, हाथ पकड़े है हाय नैया पकड़े है, हाय राजा पकड़े है नंबरदार के रणवा। तुम्हें क्या हो गया? तुम नहीं समझती यार, क्या रणुओं का नाम लेते ही हमें अपना बाप याद आ जाता है। मेरा बाप भी रणुआ मर गया। तुम भी रणुआ? जी। हाथ पकड़े है हाय नैया पकड़े है, हाय राजा पकड़े है नंबरदार के रणवा, के रणवा, के रणवा मर मर जा, मैं गिरे है बीच बाजार के रणवा मर मर जा। क्या हुआ? क्या कर रहा हूँ? कुछ तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं कुछ तो करते हो तुम। क्या किया बताइए? ये बताओ जी, कौन सा टाइम था जब तुम पैदा हुए थे? हमने आपसे बताया, हम पैदा हुए ही नहीं। तब ये हरकत है तुम्हारे अंदर भर? हमारा उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ? 15 अगस्त को। अच्छा, उधर देश आजाद हुआ, हमारा उद्घाटन हो रहा था। सही कह रहे। यस माई डार्लिंग। फिर बदतमीजी, फिर गरमानी थानी जे बे राजा पटली खई बे, यार तुम्हारे बुखार चढ़ा है क्या? गरमा रहे हैं। अच्छा। थाने जे भी राजा रे पटिले खई बे, कितने हैं? जितने बर्दाश्त करो। रुपया तो दो है, गिना तो तुमने बहुत है। ये तो कहा दो ही है, तीसरा है नहीं। रख ले। रख लो। वारे टेलर मास्टर, क्या जेब बनाते यार? क्यों? मर्दों की जेब यहाँ, औरतों का बैंक यहाँ है। काश हम भी रुपया होते तो वही चपके रहते। पहले बताओ रुपया कह दिया, बाद में बताएंगे, पहले गाना पूरा करो। थाने जेबी राजा पटली खई बे, और क्या हाथी फेरे है हाय दया फेरे है हाय राजा। क्या कर रहे हो? तुमने कहा हाथ फेरे तो क्या करें हम? तुम्हारी बात नहीं कर किसी मर्द के सामने कोई औरत इस तरह बात करे तो मर्द क्या कर सनसनाएगा नहीं? जब हम थाने गए थे, अच्छा, तो दरोगा जी के पास गए जब हम, तो हमने कहा रपट लिखी है हमारी, तो उन्होंने बुलाया अपने पास। हाँ। तो उन्होंने क्या किया? क्या किया? थाने जे भी राजा रपटी लिखाई बे। थाने गई थी? थाने गए थे। किसने लिया? क्या बयान और क्या? दरोगा जी बैठे थे सामने। दरोगा ने डायरेक्ट ले लिया? अरे बयान नहीं, रपट। अच्छा, रपट। थाने गए थे? दरोगा लिखता है। कौन लिखते हेड मोहरीर? नहीं, उस समय दरोगा जी बैठे थे। अच्छा अच्छा। थाने जे भी राजा रपटी लिखाई पे, फिर क्या हुआ?